प्रदेश में सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल निकालने के लिए लगातार कोशिश की जाती रही है। बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हैं। लोगों में जागरूकता की कमी, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना और जुगाड़ कर वाहन चलाना। लेकिन हरियाणा की सड़कों पर चलने वाले जुगाड़ वाहन अब नहीं चल पाएंगे। वहीं इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने टेम्पो ड्राइवर एसोसिएशन की याचिका का निपटारा कर दिया। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए इन्हें जब्त करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमित कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5,238 जुगाड़ वाहनों का चालान कर 1,179 को किया जा चुका है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को दस्तावेज की गहनता से जांच करने और जुगाड़ के संचालन की अनुमति नहीं देने के संबंध में पहले के निर्देशों का सावधानी पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दोपहिया वाहनों में जुगाड़ कर इससे सामान ढोने वाला वाहन तैयार किया जाता है और इसे प्रदेश की सड़कों पर उतार दिया जाता है। इस प्रकार के वाहन न केवल अपने चालक बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।